फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में खाने की भरपूर व्यवस्था की है। उनका मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लेकिन हालात ये हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उनको वह खाना दिया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर उसमें नहीं खाया जा सकता, लेकिन मजबूरी है, पेट तो भरना ही है। एक के बाद एक कई वीडियो जारी होने के बाद एक और नया वीडियो जारी हुआ है जिसमें साफ दिखाया गया है कि वह खाना जिसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे वो इंसानों को खिलाया जा रहा है। आखिर कमी कहाँ है? जो व्यवस्था आदित्य योगीनाथ ने की है उसके बीच में कौन आ रहा है? कौन वो रोटी का निवाला उनके मुंह से छीन रहा है और खुद अपना पेट भर रहा है? आइए देखते हैं उस वीडियो को। सुबह से अब ये खाना आया है, आप देख सकते हैं रोटियां कैसी हैं, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। भिंडी जो है वो बिल्कुल कच्ची है, इवन गत्ता खोलते ही इतनी गंदी स्मेल थी कि बस नहीं खाया जा सकता। और आप समझ सकते हैं कल पूरी और सब्जी थी, वो भी बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था। बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ हैं, उन्होंने कह दिया मम्मी हम ऐसा खाना नहीं खा पाएंगे। आप ये बताइए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? खाना ये ऊपर से आ रहा है, गवर्नमेंट हमें इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही है, पर बीच में पता नहीं क्या है ऐसा खाना आ रहा है। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। सुबह से अब एक बज रहा है, भूख इतनी तेज है और इसे देखते ही खाना नहीं खा पाएंगे। अगर हम खाली पेट रहेंगे तो हम तो खुद ब खुद इन्फेक्शन को